देश भर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इसी को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के लिए अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपनी देखरेख में टीकाकरण की शुरुआत करवाई। वहीं अनिल विज के स्वास्थ्य में सुधार होने के बावजूद भी वह ऑक्सीजन लगाकर नागरिक अस्पताल पहुंचे। वहीं इसी कड़ी में सिविल सर्जन के साथ अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। हिंदुस्तान में बहुत ही शुभ दिन है। लगभग एक साल से कोरोना के खिलाफ देश में लड़ाई लड़ी जा रही है। बिना किसी प्रोटेक्शन के और इस साल के दौरान कोरोना वॉरियर्स ने, डॉक्टर्स ने, म्युनिसिपल स्टाफ ने, पुलिस ने, अन्य लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर इसके लिए लड़ाई लड़ी है और बहुत दिनों से ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई वैक्सीन आए जो लोगों में प्रोटेक्शन प्रदान करे। हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में ही निर्मित दो वैक्सीन्स कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली और आज प्रधानमंत्री जी ने विधिवत सारे देश में इसको लगाने का काम आरंभ किया। हरियाणा में भी हमें 2,41,500 डोजेस कोविशील्ड की मिली हैं और 20,000 डोजेस कोवैक्सीन की मिली हैं, यानी 2,61,000 डोजेस हमारे पास हैं। लगभग 1,30,000 लोगों को हम इंजेक्शन लगाएंगे, जिसमें हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, इनको पहले लगाई जाएंगे। कुल 63,00,000 लोगों को हमने लगानी है, जिसमें 50 साल से ऊपर की आयु के लोगों को भी लगाई जाएगी और 50 साल से नीचे जिनमें अन्य गंभीर बीमारियां हैं उनको भी बाद में लगाई जाएगी। आज हरियाणा में भी ये कार्यक्रम चालू हुआ है। हर सेंटर पर 100 लोगों को आज लगाई जाएगी और उसके बाद लगातार ये काम चलता रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि केवल एक डोज लगाने के बाद अपने आप को सुरक्षित मत मान लें, क्योंकि इसकी दो डोज लगेंगी, पहली और 28 दिन के बाद दूसरी, उसके भी 14 दिन के बाद आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी 42 दिन तक अभी आपने प्रोटेक्शन के जो तरीके अभी तक आप अपनाते आ रहे हैं आपने उनको जारी रखना है।